नमस्कार सभी भाइयों को, मैं अमित। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो सुपर टू होता है उसको कैसे अपडेट किया जाता है। ये वीडियो सुपर टू अपडेट करने की पहले भी हमने यूट्यूब पे डाली हुई है, पर फिर भी मैं आज आपको एक अच्छे तरीके से और जो भी कोई डाउट होगा आपका वो क्लियर कर दूंगा इस वीडियो से, और कैसे आप सुपर टू को अपने अपडेट कर सकते हैं। सुपर टू अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी KYC करानी ज़रूरी है, तभी आपको इसके नए अपडेट मिलेंगे। आपने जिससे भी डीलर से टूल लिया है, जिससे भी आपने सुपर टूल लिया है, उनको अपनी KYC प्रोवाइड करें। फिर आपको सभी नए जो अपडेट आ रहे हैं, महिंद्रा के, मारुति के, टाटा के, BS6 का, इसमें टाटा BS6 का अपडेट आया है, वो अच्छे अच्छे आपको अपडेट मिल जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि सुपर टू को अपडेट कैसे करते हैं और ये कौन सी साइट से डाउनलोड होगा इसका अपडेट। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपडेट करने के लिए PC की ज़रूरत पड़ेगी, लैपटॉप या PC कंप्यूटर की। इसके बिना ये अपडेट नहीं होगा। तो आपको C टाइप की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपको गूगल पे जाना है, तो उस पर सिंपली सर्च करना है एक्स टूल। ये देखिए, ये आप एक्स टूल टेक आ गया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसकी पहली वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपको जाना है स्पोर्ट के ऑप्शन में, स्पोर्ट्स लिखा है, स्पोर्ट के ऑप्शन में जाके डाउनलोड सेंटर पे इस पर क्लिक कर देना है। इसमें आपको स्क्रॉल करना है। ये लोडिंग होने के बाद यहाँ पे दिखा देगा कि आपका डिवाइस कौन सा है। मेन आपको अगर नए अपडेट चाहिए तो इसकी KYC जरूरी है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे अभी लेटेस्ट अपडेट आए हैं, तो इसकी KYC बहुत ज़रूरी है। ये जो डिवाइस है बेस्ट चीप प्राइस में आता है और बेस्ट काम करता है, और ना ही इसकी हार्डवेयर की कंप्लेंट है जो 0 है। तो लोडिंग होने के बाद कुछ इस तरह आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए, TP 150 और TP 200, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है यहाँ से। इसको अपडेट करने के लिए आपको PC की ज़रूरत ही पड़ेगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप कहीं कैफ़े में जाके करा सकते हैं, या फिर किसी फ्रेंड के पास हो लैपटॉप या कंप्यूटर तो आप करा सकते हो। इसको आप डाउनलोड कर लो। देखिए, आपको डाउनलोड करना है। ओके, ऐसे ही इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ से। तो करना यस। यहाँ पे करना नेक्स्ट, और ये इंस्टॉल। इसके बाद फिर से इंस्टॉल होगा। ऐसे इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपको ये कुछ इस तरीका से आएगा, TP 200। ओके, इसको कर देना ओके। इसमें आपको अपना सीरियल नंबर भरना है और इसमें डालना पासवर्ड। अब इसका सीरियल नंबर जो है, ये देखिए 82, और इसका पासवर्ड आपको मिलेगा ऑप्शन में जाके और अबाउट में जाके। ये रहा इसका पासवर्ड, ये हमने पहले से भरा हुआ है। और आपको कर देना है लॉगिन।
हमने इसको पहले से ही अपडेट कर दिया था, फिर भी आपके सामने कुछ अपडेट आएंगे तो वो आपको अपडेट करके दिखा देंगे। ये हमने पहले ही से अपडेट कर दिया है, आप यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके इसको सभी को अपडेट कर सकते थे। तो इस तरीके से इसमें अपडेट आ जाएंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसमें जो नए अपडेट आए हैं आप देख सकते हो, महिंद्रा का भी नया अपडेट आया है, महिंद्रा का देखिए, आयन आयन रिनोल्ड आयन निसान का आयन सुजुकी का। तो इस तरीके से आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। इसी तरह से वीडियो ख़त्म होती है। जय हिंद।